क्या कहा? आप हथौड़ी को वापस ही गांव भेज रहे हैं, लेकिन वो वापस चला गया तो यहाँ पर सिर्फ आपकी हुकूमत चलेगी, लेकिन ये सब होगा कैसे बॉस? अच्छा बताओ, जब केनिची मुसीबत में होता है तो वो क्या करता है? क्यों केनिची? वो बॉक्स बहुत जरूरी था, टीचर ने मुझे खास रखने दिया था, उसमें जो स्पेसिमेन थे वो साइंस पीरियड में यूज करने थे। चिंता मत करो, मैं उसे ढूंढ लूंगा, शायद यहाँ है। यूमिको, मेरे सारे कपड़े गीले हो गए। मैं ठीक है, तब तक मैं तुम्हारा बॉक्स ढूंढ लूंगा। डिंग 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 डिंग, मिल गया मिल गया। अगर तुम मुझ पर यकीन रखोगे तो सब ठीक हो जाएगा। डिंग 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 डिंग, जल्दी 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 करो इससे पहले कि यूमिको लौटे। ये देखो काम हो गया। केनिची, हथौड़ी तुम्हारे लिए बॉक्स ढूंढ रहा है ना? मैंने तुम्हें इसलिए कहा था क्योंकि उस बॉक्स में फ्रॉग्स थे। ये अच्छी बात नहीं है केनिची, तुम हमेशा हथौड़ी को अपना काम करने बोलते हो, तुम स्ट्रॉन्ग बॉय नहीं हो। यूमिको, अपना काम हो गया बॉस। अब मुझे बस एक और काम करना होगा। कियो, मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि तुम हथौड़ी के सिवा कुछ नहीं कर सकते। मैं अपनी नजरों में ही गिर गया हूँ केनिची। अमारा तुम? मुझे लगता है कि इसका सिर्फ एक ही रास्ता है कि तुम हथौड़ी को ईगा वापस भेज दो। लेकिन क्यों? अरे क्यों मतलब क्या? इसलिए क्योंकि अगर वो यहाँ रहेगा तो तुम किसी न किसी तरह उसकी मदद जरूर लोगे। अब तो हथौड़ी को वापस भेजने के अलावा तुम्हारे पास खुद को साबित करने का और कोई रास्ता नहीं है। तुम्हें लगता है हथौड़ी इतनी आसानी से ईगा वापस चला जाएगा? क्यों नहीं जाएगा, आसान है। तुम उस पर वही निंजा टेक्निक इस्तेमाल करो जो तुम अक्सर करते हो। वही निंजा टेक्निक जो मैं अक्सर इस्तेमाल करता हूँ? वही टेक्निक जो तुम हमेशा इस्तेमाल करते हो, मनाने की निंजा टेक्निक। वो ट्रिक काम करेगी या नहीं? हथौड़ी प्लीज, तुम इसी समय ईगा वापस चले जाओ। लेकिन क्यों? क्या हुआ? क्योंकि हथौड़ी, मैं तुम पर पूरी तरह डिपेंडेंट हो गया हूँ। अगर तुम आसपास नहीं रहोगे तो मैं सब कुछ खुद करूँगा। ये तो सच में बड़ी अजीब बात है, केनिची इतनी समझदारी वाली बात ऐसे नहीं बोलेगा। हथौड़ी प्लीज, तुम इसी समय ईगा लौट जाओ प्लीज। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम चिंता मत करो। सच में? प्रॉब्लम्स तो प्रॉब्लम होती हैं। मैं मम्मी पापा शिंजो और शिशिमानु को बाद में लेटर लिखूंगा, तुम टेंशन मत लो। हथौड़ी, आई एम सॉरी। चलो तुम अपना ख्याल रखना, ठीक है? हथौड़ी, ये मैंने क्या कर दिया? हुरे! चलो वो मुसीबत हमेशा हमेशा के लिए चली गई। क्या शानदार प्लान था बॉस। कौन है भाई? अच्छा तो ये सब अमारा का किया धरा है। जल्दी से जाकर म्यूजिक बंद करो, जाओ ना, आओ ना, अंदर आओ। ये वापस क्यों टपक गया? असल में इस बार प्रॉब्लम कुछ ऐसी है, मुझे अपने घर ईगा वापस जाना पड़ रहा है, इसलिए मैं तुम्हें गुड बाय कहने के लिए आया था। हमारा प्रणाम महाशय, प्लीज बुरा मत मानना। ओए कियो, हथौड़ी के लिए फेयरवेल गिफ्ट लेकर आओ। मैं आ गया। मुझे नहीं पता तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है, लेकिन अपना ख्याल रखना। लो ये तुम्हारे लिए है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि तुम मुझे गिफ्ट दे रहे हो, मेरा दिल तो सच में भर आया। तुमने जो जिंदगी भर की मुझे यादें दी है उसके लिए थैंक यू सो मच। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हथौड़ी, तुम रो रहे हो हथौड़ी? मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ, मैं जानता हूँ केनिची से अलग होना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, सच पूछो तो मैं बहुत खुश हूँ, कल से मुझे केनिची का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। असल में मैं उदास हूँ क्योंकि मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ। हमारा ये क्या कह रहे हो? वो मजेदार पल मुझे याद है जो मैंने तुम्हारे साथ गुजारे हैं, कितने सारे गेम्स खेले हैं। डिंग डिंग।
इस दिन तक मैं सिर्फ तुम्हारे दोस्ती के लिए जी रहा था हमारा, अब तुम मुझे कभी नहीं मिलोगे। काश मुझे जीने की कोई और वजह मिल जाए। टॉडी, I'm sorry, मैंने तुम्हारा मूड खराब किया। मैं जा रहा हूँ। नहीं, रुक जाओ टॉडी, रुक जाओ, नहीं रुको टॉडी, टॉडी नहीं, रुक जाओ थोड़ी, रुक जाओ ना मेरे लिए, रुक जाओ प्लीज मेरे दोस्त, रुक जाओ, ऐसा मत करो। मुझे यहाँ रुकना बहुत अच्छा लगता, लेकिन सूरज ढलने से पहले मुझे हर हाल में ईगा टाउन पहुँचना होगा। बाय थोड़ी, हथौड़ी हथौड़ी रुको, ओए केनिची, हथौड़ी जल्दी आओ, हथौड़ी को वापस जाने से रोकने में मेरी मदद करो। हाँ हाँ मैं आया। हथौड़ी, मैंने तुम्हें सच में बहुत गलत समझा, हमें भी तुम्हारी यहाँ बहुत जरूरत है हथौड़ी, रुको ना मेरे लिए। हाँ ये सच है। इसे कहते हैं इमोशनल अत्याचार, निजा टेक्निक। अब इससे बचकर कहाँ जाओगे? बर्थडे प्रेजेंट के लिए लॉटरी निकाल रहे हैं, शायद ये सब यूमिको की बर्थडे के लिए हो रहा है। ये बात है तो चलो चलकर देखते हैं कि अब लॉटरी निकालो, लॉटरी निकालो। क्या बर्थडे केक? मेरे पास इतने पैसे ही नहीं है। लगता है यह कोई जरूरी काम चल रहा है। अरे हमारा तुम क्या बात है, लॉटरी निकाल कर बर्थडे प्रेजेंट सिलेक्ट किया जा रहा है क्या? बर्थडे पर क्या गिफ्ट दिया जाए ये डिसाइड करने के लिए हम ये लॉटरी कर रहे हैं, इससे जल्दी फैसला होगा। मैं भी एक लॉटरी निकाल सकता हूँ दोस्त? हाँ हाँ क्यों नहीं, है ना कैनेची? तो चलो पहले देख लेते हैं कि उन बची हुई लॉटरियों में क्या लिखा है। ठीक है। इस लॉटरी में किसका गिफ्ट है और इस लॉटरी में रिमोट कंट्रोल वाली का। तो इसका मतलब इन दोनों में से जो लॉटरी मैं निकालूंगा उसमें लिखा गिफ्ट मुझे देना होगा। अब मैं शुरू कर रहा हूँ। जो मैं लॉटरी निकालूंगा वो हर हाल में किस वाली होगी? मैं संभाल लूंगा। निंजा टेक्निक ऑफ एडवांस स्टडी। अब ये क्यों काम मर गया? लाइन बनाने की निंजा टेक्निक। ये क्या? शायद इस जमीन के नीचे मेरी खुशियाँ छुपी हुई है। अरे ये हमारा तो चीटिंग कर रहा है, फिर तो इस मामले में कुछ करना पड़ेगा। एक बात समझ में नहीं आई, केनिची तुम इतना खुश क्यों हो रहे हो? असल में वो यूमिको, खुश तो तुम्हें होना चाहिए ना यूमिको। मैं तुम्हारे लिए बहुत शानदार रिमोट कंट्रोल वाली कार लेकर आऊंगा। वैसे हमारा क्या तुम्हें लगता नहीं तुम थोड़े कंफ्यूज हो गए हो? ये तुम क्या कह रही हो? क्या इसका मतलब गिफ्ट केनिची के लिए? हाँ अब तुम समझ गए होगे, कल मेरा बर्थडे है, मैं कल कार का इंतजार करूंगा। मैं तो बस एक कैट हूँ, आई एम सॉरी, मैंने गलत सुन लिया, मुझसे गलती से मिस्टेक हो गई, मुझे माफ कर दो। घो चुकी थी। लेकिन ये केनिची को किस करने से तो अच्छा होगा ना बॉस? चुप रहो, ये मजाक नहीं है, अब मैं उन्हें दिखाऊंगा कि लॉटरी निकालना क्या होता है। वाओ रिमोट कंट्रोल वाली कार, आखिर हमारा मुझे वो कार गिफ्ट में देने वाला है। हाँ? मुझे तुम सबको कुछ बताना है, कबड्डी 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 उस तरफ रस्सी से लॉटरी निकालने का तरीका है। रस्सी से लॉटरी निकालना? हाँ? वो क्या होता है? चिंता मत करो, रस्सी को समझने की निंजा टेक्निक की मदद से तुम ये कर सकते हो, आसानी से जान सकते हो रस्सी के किनारे पर क्या बंधा हुआ है। तुम्हें लगता है मैं इसे कर पाऊंगा? चलो पहले इसे ट्राई करते हैं। तुम्हें इसे इस तरह से करना है जिससे वो चीज वेव्स वापस भेजेगी और तुम्हें पता चल जाएगा कि रस्सी के अगले सिरे पर क्या बंधा हुआ है। समझ गया, इस रस्सी के अगले सिरे पर एक खाली कैन बंधा हुआ है। लेकिन मुझे नहीं लगता मैं ये कर पाऊंगा। अगर तुम्हें रिमोट कंट्रोल वाली कार चाहिए तो ट्राई करो। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday. ये लो फूल तुम्हारे लिए। Wow, thank you. और ये वो है जो मैंने प्रॉमिस किया था। और ये लो रस्सियों का गुच्छा। मैंने लॉटरी में तुम्हारे लिए रिमोट कंट्रोल वाली कार निकाली थी, लेकिन अब तुम खुद अपने लिए गिफ्ट निकालोगे। ओह हमारा तुम कितने समझदार हो। शर्मिंदा मत करो ना तुम यूमिको।
तुम्हें सिर्फ एक मौका मिलेगा, अगर तुमने एक बार में रिमोट कंट्रोल नहीं निकाली तो तुम्हें वो नहीं मिलेगी। बहुत मजा आएगा। मैं चाहे कोई भी ट्रिक्स इस्तेमाल कर लूं, आखिर मैं हथौड़ी की तरह निंजा नहीं हूं ना। समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। याद रखना, मुश्किल वक्त कमांडो सा। मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। जल्दी से लॉटरी निकालो। मुझे कोई आवाज सुनाई दी। हो गया क्या? ये वाली रस्सी है ना? ओए, ओए कियो, क्या कर रहे हो? हाँ हाँ पता है, कर रहा हूँ बॉस। ये लो, हो गया। चलो अब इसे ऊपर खींचते हैं। नहीं रुको रुको, मुझे दूसरी लॉटरी निकालनी है। मर गया। दीनी, केनिची को इतना समझाया था, फिर भी ये कुछ ज्यादा ही समय ले रहा है। हाँ ये वाली। अब बदलना नहीं, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तुम्हें खुद पर यकीन नहीं है। ओ, इस बार भी मेरा बैड लक खराब निकला। देखो ये वाली ना। अच्छा तो यहाँ पे ये गोलमाल हो रहा है, अभी दिखाता हूँ इन्हें। स्नेक रोप की निंजा टेक्निक। ओके बॉस, इसे अभी बदलता हूँ। ओए कियो, क्या हुआ? ये तो रिमोट कंट्रोल वाली कार है। थोड़ी मुझे भी तो चलाने दो ना। प्लीज प्लीज, थोड़ी देर और, थोड़ी देर और। लेकिन तुम्हें पता है ना हथौड़ी, ये मेरा। अरे बॉस, वो क्या चीज है? मेरे ख्याल से वो ईगा टाउन से आया कोई सीक्रेट मैसेज है। जब भी मैं इसे देखता हूँ ये और ज्यादा सुंदर लगता है। चलो अच्छा हुआ, वो जहाँ पहुँचने के लायक था वहाँ पहुँच गया। सही कहा। और वो फट गया। क्या वो रोलर्स के पहिए के नीचे आ गया? बहाने मत बनाओ। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। लेकिन मैं तुम्हारी बात पर यकीन कैसे कर लूँ? सर प्लीज। जी एक्सक्यूज मी सर, मुझे पता है कनिची सच कह रहा है। अमारा? हाँ सर, ऐसा होते हुए मैंने देखा था। अमारा थैंक यू। सच्चाई तो सच्चाई होती है दोस्त। वाओ क्या बात है, कितनी गहरी दोस्ती है। निंजा टेक्निक ऑफ सुपीरियर कॉम्प्लेक्स काम कर रही है। हाँ ठीक है, मैं कुछ करता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो हम मिलकर गपशप करते हैं। ओके बाय। बात करता हूँ हथौड़ी। क्या तुम चाहते हो हम घर के बाहर चले जाएं? अमारा ने अपने घर की चाबियां खो दी हैं और अपने घर के अंदर नहीं जा पा रहा है, इसलिए प्लीज हथौड़ी तुम कहीं और जा सकते हो सिर्फ एक रात के लिए। बिल्कुल नहीं। तुम्ही ने तो मुझे बताया था कि कोगा निंजा और ईगा निंजा एक छत के नीचे नहीं रह सकते। तुम आजाद हो, अपने बेस्ट फ्रेंड अमारा के साथ समय बिता सकते हो। भले भाई। ओह थैंक यू हथौड़ी। लगता है यहाँ दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल काली है। डिंग डिंग। अब देखना हथौड़ी, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। हमें ईगा सीक्रेट मैसेज भी मिलेगा। केनिची और हथौड़ी का दिल इतना नरम है कि उन्होंने मेरी चाबी खोने वाली बात पर इतनी आसानी से यकीन कर लिया। चलो अब यहाँ से चलते हैं। मेरा मुंह मत देखो, चलो। अच्छा तो ये है इनका प्लान। मैं जाके केनिची को बचा देता हूँ। नहीं शिंजो, केनिची को इस बारे में कुछ भी मत बताना। लेकिन क्यों बल्ले भाई? मैं इनकी गहरी दोस्ती तोड़ना नहीं चाहता, बल्कि मैं चाहता हूँ कि आ जाओ। डिंग डिंग, केनिची क्या कर रहे हो? तुमने मुझे क्यों बुलाया? असल में अमारा के घर की चाबी मिल गई है और देखो उसने तुम्हें आज अपने घर पर डिनर के लिए बुलाया है। इससे पता चलता है तुम्हारी दोस्ती कितनी गहरी है। सच कहा, अमारा सच में बहुत बड़े दिल वाला है। डिंग डिंग। ये
की और तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है, वो सीक्रेट लेटर पता है। जल्दी करो बल्ले भाई, जल्दी करो, जल्दी करो। केनची हमारा आया है। हाँ हाँ आया, आया, आओ आओ अंदर आओ। हथौड़ी और बाकी सब कहाँ है? हथौड़ी, कोगा निंजा और ईगा निंजा एक छत के नीचे नहीं रह सकते, इसलिए वो बाहर गया है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अरे हाँ चलो, डिनर करने से पहले हम नहा लेते हैं। हाँ क्यों नहीं, जरूर जरूर जरूर। बहुत अच्छा मौका मिला है, मार लेता हूँ चौका। अच्छे दोस्त हर काम मिलकर करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा तुमने केनी जी, बिल्कुल सही। क्यों काम पर लग जाओ? क्या हुआ हमारा? तुम मेरी पीठ किस चीज से रगड़ रहे हो केनिची? ये डॉगी के बाल का ब्रश है, ये बहुत मुलायम है, इससे तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। अरे रुको रुको, ये क्या है? इसे दोस्ती का ब्रश कहते हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, तो मैं इसे बंद करना भूल गया हमारा। कहाँ रखा है? अब मैं तुम्हें अपनी दोस्ती का एक और सबूत देना चाहता हूँ हमारा, ठीक है? ठीक है। अरे लगता है यार नीचे को क्या लग रहा है? अरे क्या हो गया? पता नहीं कुछ जोर से चुभ रहा है। पागल, वहाँ पे शीशी मानो है तुमसे चिपक गया है। मैंने तो नहा लिया, मैं उठ नहीं पा रहा। क्या हुआ, तुम अभी तक टब में क्या कर रहे हो? बस अभी आया। बचाओ 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 मुझे, बचाओ केनिची। हाँ क्या? अरे निकालो निकालो। बॉस मुझे वो मिल गया। ओए कियो देख, पूरा चूल्हे की तरह लाल हो गया। भागो। अब ये क्या है? असल में ये एक हैंगिंग स्क्रोल है, इसे डैड ने लिखा था। ये लिखा हुआ हैंगिंग स्क्रोल इसलिए भेजा है ताकि मैं निंजा की नॉलेज भूल न जाऊं। तो तुम्हें सब पता था थोड़ी? तुमने अच्छा नहीं किया। तुम्हें टॉवेल चाहिए क्या? कुछ नहीं आंटी, मैं वो जरा जल्दी में चलता हूँ। हाँ बाय। बहुत देर कर दी तुमने, कहाँ रह गए थे? केनिची तुम यह क्या कर रहे हो मेरे भाई? भूल गए तुम, हम दोनों ने साथ मिलकर नहाने का प्लान बनाया था, कुछ याद आया हमारा? क्या तुमने पानी को उबलने तो नहीं रखा ना? आओ आओ। नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं नहाना। ज्यादा अच्छे लगते हैं हथौड़ी, तुम इसमें कुछ नहीं कर सकते हो। तुम्हें जू में बहुत सारे गिरगिट मिल जाएंगे। मैं अपना पालतू गिरगिट चाहता हूँ, और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम गिरगिट का भेष बना लो। क्या, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं सही कह रहा हूँ, क्या तुम नहीं जानते कि गिरगिट को निंजा राउंड वर्म्स कहा जाता है? कई बार वो खुद रंग बदल लेता है, और कई बार वो अपने शिकार पर निशाना लगाने के लिए अपनी लंबी जीभ बाहर निकाल लेता है। बेशक वो निंजा फैमिली का होता है, इसीलिए तुम मेरे लिए गिरगिट बन जाओ। नहीं बन जाओ, प्लीज मान जाओ हथौड़ी। ये गिरगिट वाकई तुम्हारी तरह बहुत ही क्यूट है यूमिको। तुम्हारा गिरगिट और क्या क्या कर सकता है हमारा? अरे ये भी मेरी तरह इंटेलिजेंट है, बहुत कुछ कर सकता है। चलो एक एक दिखाता हूँ तुम्हें, चलो। कमॉन कमॉन, अब यूमिको को अपना टैलेंट दिखाओ। कमॉन उछल कर दिखाओ, शाबाश शाबाश। ये देखो ये देखो। अरे वाह मजा आ गया, ये तो सच में कमाल है। वो रहे, आओ जल्दी जल्दी। हे यूमिको चैन, मैं तुम्हें दिखाने के लिए कुछ लाया हूँ, ठीक है? तो ये देखो। क्या लाए हो? डर गए ना? ये देखो। वही, ये क्या उठा लाया? क्यों, क्या हुआ? असली है क्या? अरे तो गायब हो गया। ये कितना बड़ा गिरगिट है।
ये सिर्फ बड़ा है लेकिन असल में कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारा गिरगिट क्रिकेट खेल सकता है क्या? अरे क्या कर रहे हो? जान लोगे क्या? अरे 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 ये तो एक मेंढक है, तुमने मुझे धोखा दिया हमारा। वो अरे भागो। डिंग डिंग। मुझे यकीन है वो गिरगिट हथौड़ी ही होगा। ओए मैं सब जानता हूँ, मुझे मत सिखा। छोड़ूंगा नहीं किसी को। ला 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 ला। हेलो मेरी बच्ची। हाँ? मैं एक शिकारी हूँ, तुमने इस जगह के आसपास किसी बड़े से गिरगिट को देखा है क्या? बड़ा सा गिरगिट? मुझे एक बड़े से गिरगिट की तलाश है और खबर मिली है कि यहाँ आसपास किसी ने ऐसे गिरगिट को देखा है। शायद वो गिरगिट कैनची के पास है। ओ, तो तुम उसके बारे में जानती हो? प्लीज बेटी तुम मुझे उसके पास जल्दी से ले चलोगी क्या? जरूर। अमारा ने ऐसी चीज पहले कभी नहीं देखी होगी। वो मेंढक भी पूरी तरह से डर गया था, है ना? कैनची, युमिको तुमसे मिलने आई है। हथौड़ी। अरे युमिको चंटू, कैनची ये तुमसे मिलना। अच्छा, तो वो बड़ा सा गिरगिट यहाँ पर है। अरे रुकिए, मेरी बात सुनिए प्लीज, रुकिए। ये रहा, इस दुनिया का इकलौता रेयर स्पीशीज का गिरगिट मिल गया। अरे ये तो कहाँ भाग रहे हो? रुक जाओ। ओह, सब कुछ गड़बड़ हो गया। रंग बदलने की निंजा टेक्निक कहाँ गया? आखिर कहाँ छुप गया वो? ठीक है, मेढक के हमले की निंजा टेक्निक। ओ, ये मेंढक कहाँ से टपक पड़े, मैं इन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता। रंग बदलने की निंजा टेक्निक। कहाँ गया वो? फिर से मेंढक का हमला करता हूँ। कहाँ गया? रंग बदलने की निंजा टेक्निक। फिर छुप गया, कहाँ भाग कर जाएगा? रुक जाओ। अब मैं ये और बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं बहुत थक गया हूँ। मैं आ रहा हूँ। तो आखिर तुम्हें पकड़ ही लिया हथौड़ी गिरगिट। हमारा? अब तुम मेरे जाल से नहीं बच पाओगे। डिंग डिंग, गिरगिट की जीत की निंजा टेक्निक। मुझे कुदकुदी मत करो, छोड़ो मुझे, कुदकुदी मत करो, देखो मुझे बहुत कुदकुदी होती है, मुझे प्लीज मत करो, मुझे टैन नहीं हो रहा है। वो देखो कैनची, वो गिरगिट उसे अभी खाने ही वाला है। छोड़ो मुझे, मुझे सहा नहीं जा रहा। छोड़ो मुझे। अरे वो तो हथौड़ी है ना, कहने जी तुमने भी मुझे पागल बना दिया। नहीं नहीं, असल में नहीं, मुझे नहीं सुनना। कुचन, रुक जाओ। धत्तरी की डिंग डिंग। बस अब कुछ ही सेकंड में ईगा निंजा की सीक्रेट रेसिपी तैयार होने वाली है। अगर तुम इसे खाओगे तो चुटकियों में तुम्हारी भूख खत्म हो जाएगी। ये बहुत न्यूट्रिशियस भी है। इसमें है धतूरे की जड़, फिश का लीवर, करेली का रस, लाल मिर्च, नीम की जड़, लौकी के छिलके। हाँ, लुको, पीछे मुड़। कितने पागल लोग हैं, इस डिश के टेस्ट का मजा लिए बगैर ही भाग गए। कोई बात नहीं, मैं इसका मजा लेता हूँ। डिंग डिंग। अरे बाप रे, मुझे तो पता ही नहीं था इसका टेस्ट इतना अजीब और बकवास था, लेकिन पहले तो मैं इसे आसानी से खाता था। शायद इसकी वजह से, क्योंकि मम्मी मुझे बहुत अच्छा अच्छा चटपटा खाना खिलाती है, मुझे उसकी आदत हो गई है। खाने के मामले में सच में अपने टेस्ट को मैंने बिगाड़ लिया है। नहीं नहीं, मुझे ये मंजूर नहीं, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। सच में बहुत बुरा टेस्ट है। हाँ, तो निंजा खाने के बारे में क्या कह रहे थे? वो मैं कह रहा था कि हमारा, एक बात बताओ, क्या कभी तुमने निंजा खाना खाया है? मैं ऐसी चीजें नहीं खाता। हाँ? क्यों, जाओ मेरा खाना लेकर आओ। यस बॉस। देखो ये है मेरा निंजा खाना,
अच्छा यही रहेगा कि निंजा पुरानी चीजों के बारे में नहीं सोचे, क्योंकि निंजा खाने से ज्यादा जरूरी है न्यूट्रिशन खाना खाना। अमारा गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैंने कभी नहीं सोचा था कि पुरानी चीजों को भूलकर तुम इतना नीचे गिर सकते हो। क्या मतलब? तुमने अपनी कोगा परंपरा को मिट्टी में मिला दिया है। ओए पटर पटर बंद करो, तुम मुझसे यहाँ फेवर मांगने आए हो, कोई मेहरबानी करे नहीं, समझे? तुम किससे बात कर रहे हो, तुम्हें पता भी है? वैसे भी तुम जैसे डरपोक कोगा के साथ मुझे कोई रिश्ता नहीं रखना। हद कर दी इसने। हथौड़ी देखते जाओ, मेरी हद तो अभी तुमने देखी नहीं है। खा लो ये डोनट सच में बहुत टेस्टी है। केनिची तुम हमारी ट्रेनिंग डिस्टर्ब कर रहे हो, डोनट खाने हैं तो चुपचाप खाओ। चलो शिंजो खाओ इसे। नहीं मैं इसे नहीं खाऊंगा, इसे तो अच्छा है कि मैं पूरे दिन भूखा रहा हूँ। रास्ता बिल्कुल साफ है, कियो सब कुछ तैयार है ना? यस बॉस। निंजा होना बहुत मुश्किल है। अचानक मेरे पेट में दर्द होने लगा। मेरे भी, अगर थोड़े डोनट्स खा ले तो शायद दर्द खत्म हो जाए। केनिची तुम मानोगे नहीं? अच्छा ठीक है। और तुम दोनों आओ यहाँ चुपचाप बैठो। अच्छी मुसीबत है, अब तो डोनट्स भी हाथ से निकल गए। ऊपर वाला मेहरबान तो शशि मानु पहलवान। पहले निंजा यही खाया करते थे, अगर हम इसे नहीं खा सकते तो ये बहुत शर्म की बात है। शिशिमानु क्या तुम कुछ खा रहे हो? कुछ भी नहीं। तो तुम्हें खाने की किसी भी चीज के बारे में सोचना नहीं चाहिए, समझे तुम? ये क्या? अरे हमारा आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हें बताना चाहता था कि निंजा अब निंजा स्टाइल खाना नहीं खाते हैं। तुम्हारे इस मेहरबानी के लिए थैंक्स। तुम चाहे जो भी कहो लेकिन मैं निंजा परंपरा को अपना कर ही रहूंगा। जैसी तुम्हारी मर्जी भाई, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय। वाह बॉस, उनकी हालत देखने लायक थी। अब वो अकेला ही निंजा परंपरा का ढोल बजाता फिरेगा। अरे ये क्या कर रहा है? चलो चलकर देखते हैं क्यों। ओके बॉस। मैं बहुत थक गया हूँ बॉस। ये आवाज कैसी है? निंजा खाने का मजा लेने के लिए दिमाग को शुद्ध करना होगा। स्टार्ट। निंग 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 निंग। एक बार फिर से करता हूँ। निंग 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 निंग। मुझे अपने दिमाग को शुद्ध करना ही होगा। निंग 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 निंग। मैं अब भी नहीं खा सकता हूँ। देखा कैसे कोशिश कर रहा है? बस चुपचाप तमाशा देखो। अच्छा तो ये दोनों मुझे खाते हुए देखने आए हैं। डिंग 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 डिंग। ये है वो सरसों जो मुंह में आग लगा देगी परसों। अब देखो मेरा कमाल किया। अब मैं अमारा को ईगा निंजा का जोर का छटका धीरे से दूंगा। स्टार्ट। डिंग 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 डिंग। ये है ईगा निंजा परंपरा। इसे खाकर मैं ईगा निंजा सीक्रेट को हमेशा के लिए पालूंगा। तो उसे चट कर गया, भुक्कर कहीं का सारा खा गया। मेरे ख्याल से अब हमें पत्ती गली देख लेनी चाहिए, क्या कहते हो क्यों? चले या ये है कछुए के हाथ और गले की निंजा टेक्निक। मैं इसकी वजह से अच्छी तैयारी कर सका। डिंग 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 डिंग। मुझे बहुत भूख लगी है, हमें वापस जाना चाहिए। हाँ हाँ चलो चलो शुरू करो खाना। ये लो, आज मैंने हथौड़ी का फेवरेट खाना बनाया है। मम्मी का खाना तो मेरा हमेशा से ही फेवरेट है। मैंने अमारा से सुना है कि तुम निंजा पारंपरिक खाना बड़े मजे से खाते हो। अब तो मैं आपके और भी इज्जत करने लगा हूँ। अच्छा हुआ इसे सच का पता नहीं चला। वैसे निंजा खाना भी इसी तरह टेस्टी होता है। निंजा टू कैन हैव अ कैविटी। डिंग डिंग। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर।
मुझे लगता है हमारा शायद कुछ निंजा स्टंट्स दिखाने के चक्कर में था। फिश हो गया। मैं भी उसकी शक्ल देखना चाहता हूँ। डर सहन करना निंजा ट्रेनिंग टेक्निक में से एक टेक्निक है। जब दुश्मन वार करता है तो उसी समय इस टेक्निक का इस्तेमाल करना चाहिए। स्नैक्स तैयार है। केनिची को इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं। लो शिंजो, ये तुम्हारे लिए। लेकिन खाना खाने के बाद अपने दांत ब्रश कर लेना, वरना उसमें कैविटी होगी तो मीठा नहीं खा पाओगे। हमें ऐसे डराओ नहीं मम्मी। ठीक है, अब खाना खाओ। चलो शुरू हो जाओ। अरे हथौड़ी, तुम्हें क्या हो गया है? अरे भाई, तुम्हारी आंखों में से आंसू क्यों आ रहे हैं? मुझे अचानक कुछ काम याद आ गया, मैं जाता हूँ। घटे की यकीन नहीं आ रहा, मेरे दांतों में कैविटी हो गई है। मेरे भाई के दांतों में कैविटी? उसे नहीं बताना, उसके दांत में दर्द है इसलिए नॉर्मल बिहेव कर रहा है। एक निंजा के लिए ये बहुत बुरी बात है। हमेशा हमें दांत ब्रश करने को कहते हैं और अब उन्हें ही कैविटी हो गई। इसे कहते हैं आज की ताज़ा खबर। चलो हम उसके साथ थोड़ी मस्ती करते हैं। ध्यान से सुनो मेरी बात, मजा आएगा। वैसे तुम्हारा ये आइडिया उतना बुरा भी नहीं है। अरे हथौड़ी, तुम बड़े भाई। वैसे तुम जरा मुझे बताओगे किससे कैविटी हुई है? लेकिन हथौड़ी, तुमने ही तो हमें। मर्द को कभी दर्द नहीं होता। बड़ी अजीब तरह से हंस आई है। ठीक है हथौड़ी, अगर तुम्हें कैविटी नहीं है तो हमें ये खा कर दिखाओ। अरे बाप रे, ये तो मिठाई है मशहूर तोलाराम की दुकान से। खाओ खाओ, अभी खाता हूँ, देखना। ये तो कमाल हो गया, मिठाई खाते हुए से जरा भी दर्द नहीं हुआ। अब तो तुम्हें यकीन हो गया ना, मुझे कैविटी नहीं है, मैं चलता हूँ। इसे क्या हुआ? दर्द हो रहा है। अब सब मेरी बात ध्यान से सुनो, सबके पास ड्राइंग बनाने के लिए सिर्फ 2 घंटे हैं। तुम्हें पतझड़ के बारे में कोई स्केच बनाकर लाना है और जहाँ तक हो सके पतझड़ का नजारा या पतझड़ में जो तुम देखते हो उससे जुड़ा कोई स्केच बनाकर लाओ। ओके सर। अब ये पतझड़ से जुड़ी चीजें कौन कौन सी होती हैं यूमिको? जो भी चीजें तुम पार्क में देखते हो वो सब पतझड़ से जुड़ी हुई हैं, जैसे ये पेड़, ये घास, ये पौधे। और क्या वो झाड़ी भी उससे जुड़ी है यूमिको? हाँ बिल्कुल। और वो भी? हाँ वो भी। तुम्हें क्या लगा वो तुम्हारे पास आ रही है बुद्धू? यूमिको चलो ना उधर चलते हैं, वहाँ बहुत शानदार नजारा है। सच में? तो मुझे वहाँ ले चलो। क्यों नहीं, हम दोनों वही जाकर एक साथ उजड़े चमन का स्केच बनाएंगे। ठीक है। हाँ, चलो। वहाँ बेकार के लोग डिस्टर्ब भी नहीं करेंगे, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। अब मैं अकेला ही पतझड़ का स्केच बनाकर उस हमारा को मुंह तोड़ जवाब दूंगा। पेड़ों से गिरी पत्तियां जल रही है, पतझड़ से जुड़ा इससे अच्छा नजारा और क्या आ सकता है? वाओ, कितना सुहाना दिन है। क्या सोचा था और क्या निकला? ड्राइंग के चक्कर में मैं तो बहुत थक गया। अरे वाह, गोल गोल बादल। पतझड़ के लिए ये नजारा बिल्कुल सही है, इसका ही स्केच बनाता हूँ। मेरी तो गर्दन में दर्द होने लगा। धत्तेरे की, सारे बादल चले गए। मैंने बहुत मेहनत करके अपने हाथों से उन्हें बनाया था। अरे वाह, ये तो टिड्डा है, चलो इसे ही बनाता हूँ। अरे रुको रुको, ओए तुम एक जगह रुक नहीं सकते। अरे कहाँ जा रहे हो, ये टिड्डा भी ना जाने मुझे कितना चलाएगा। रुक जाओ।
बात है केनिची, घर से तो नहा कर आए थे, फिर दोबारा क्यों नहा रहे हो? तुम्हें भी इसी समय टपकना था? सारी मेहनत पर फिर से पानी फिर गया। मैं समझ गया, अब तुम चिंता मत करो और सब कुछ मुझ पर छोड़ दो केनिची। क्या मतलब है तुम्हारा हथौड़ी? मैं तुम्हारे लिए ऐसी जगह ढूंढूंगा जो तुम्हारे पतझड़ के मूड वाले स्केच के लिए एकदम सही रहेगी। पता नहीं ये हथौड़ी का बच्चा इस बार क्या गुल खिलाने वाला है। अब बस एक ही झटके में यहाँ पतझड़ का मौसम बन जाएगा। पेड़ को पेंट करने की निंजा टेक्निक। डिंग डिंग। शायद ये ज्यादा अच्छा नहीं बना है। शिशी मानो कैसा लगा? बहुत टेस्टी लगता है। ये क्या कर रहे हो शिशी मानो? तुमने मेरी सारी मेहनत पर अपनी जीप फेर दी। तुम मेरी ड्राइंग को खाना समझकर खा गए शिशी मानो। अब मैं क्या बनाऊं? निंग निंग चलो मेरे साथ जल्दी चलो, मैंने तुम्हारे स्केच के लिए जगह ढूंढ ली है। सच में मजा आ गया। तुम खुद ही देख लो केनिची। लेकिन मैं कहां और क्या देखूं? अरे ये सब क्या हो गया? ये तो बड़ी अजीब बात है। अच्छा तो ये सब हमारा का किया धरा है। ये है धोने की कोगा निंजा टेक्निक। इस बोतल गन से मैंने तुम्हारे इरादे और रंग दोनों धो दिए। हथौड़ी ये बाजी तो मैं जीत गया। लगता है ये ऐसे नहीं मानेगा। कांटे वाले धतूरे की निंजा टेक्निक। पहाड़ों के ऊपर नदियों के पार मेरा गांव है सदाबहार। घर के काम करने में मुझे बहुत मजा आता है। अब वक्त है कपड़े प्रेस करना है। चलो पानी डालो, प्रेस करो, पैर से दबाओ। देखा मम्मी, जिप्पो सारे काम करता है। थैंक यू प्यारे जिप्पो, कितने मेहनती हो तुम। मैं तुम्हारे लिए टेस्टी नाश्ता ले आती हूँ। टेस्टी नाश्ता मैं भी करूँगा मम्मी। कभी कभी मैं भी आ गया। कभी कभी मुझे नाश्ते में चॉकलेट बहुत चाहिए। क्या तुम इडली खाओगे? अपन इडली नहीं खाता जिप्पो। जिप्पो आया तो मुझे कोई पूछता ही नहीं है। शशि मानो कुछ तो करो, वरना जल्दी वो तुम्हें घर से बाहर निकाल देंगे। ये नहीं हो सकता। मम्मी अपना सारा काम जिप्पो से करवा लेंगी और वो बिना गलती किए सब कर देगा। और तुम बाहर। पहाड़ों के ऊपर नदियों के पार मेरा गांव धकच। मुझे लात खाकर घर से बाहर नहीं निकलना, नहीं निकलना, नहीं निकलना। शशि मानो मेरे पास एक प्लान है, लेकिन उसके लिए तुम्हें जिप्पो को यहाँ लेकर आना होगा। अभी लाता हूँ। हमारा बॉस बाहर आओ, काम हो गया है। अभी आया। अब मैं उस धरती के बोझ को घर से बाहर निकलवा कर ही रहूँगा। तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? जिप्पो सवाल मत करो, बस चलते चलो। हमारा मेरा बुखार कम नहीं हो रहा। फिक्र मत कीजिए सर, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। मैंने केनिची के घर से मदद के लिए किसी को बुलाया है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारा। सर की तबीयत खराब अच्छा लग रहा है। हाँ, इसलिए मैंने तुम्हें जिप्पो को साथ लाने के लिए कहा, क्योंकि सर के घर में भी बहुत काम है। हाँ मैं उनका काम करूँगा, क्योंकि वो केनिची के सर है। अरे वाह, तो तुम आ गए। चलो ऊपर आओ। अरे बाकी सब तुम संभालो। मैं सब संभाल लूंगा। ये जिप्पो सिर्फ घर की नहीं उनकी भी सफाई कर देगा। नहीं, कुछ गड़बड़ करने का प्लान तो नहीं कर रहे। जिप्पो मेहनती है, सब काम कर लेगा। मैं चला घर। घर कितना गंदा है, पेशेंट के आसपास इतनी गंदगी। बहुत तेज बुखार है, मैं उठ नहीं सकता हूँ। कोई बात नहीं सर, आप लेटे रहिए। उसने काम शुरू कर दिया। ये तो बस शुरुआत है। अरे अभी तो ऐसे बहुत से काम है जिन्हें ये कभी नहीं कर पाएगा। सफाई का काम हो गया। पेशेंट को जमीन पर नहीं सोना चाहिए। लगता है तेज बुखार की वजह से मुझे इंसान की जगह कुछ और दिख रहा है। इसे बुरा भला नहीं कहना चाहिए, ये तो मेरी मदद कर रहा है। तुम ये क्या कर रहे हो?
दरअसल आज मेरा घर का काम करने का दिल कर रहा था। शिशिमानु, क्या तुम्हें पता है जिप्पो कहाँ है? जिप्पो वो तो केनिकी के घर पे गया है। केनिकी के सर की तबीयत खराब है, देखभाल करने के लिए। क्या कहा? जिप्पो करेगा? आप तो हीटर की तरह जल रहे हैं सर। मैं अभी आया। अरे भाई, तुम चल रहे हो या कूद रहे हो? ठंडा ठंडा पानी भगाएगा सर का बुखार। बुखार तो महंगाई की तरफ बढ़ता जा रहा है। ठंडा हो जाता हूँ, ठंडा हो जाता हूँ। इन्हें तेज बुखार था इसलिए मैंने ठंडा कर दिया। जल्दी से बर्फ मेल्ट करनी होगी। ये लाल मिर्च के बिस्कुट है सिंपो, जल्दी से इस बर्फ को मेल्ट कर दो। चलो 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 सिंपो, जल्दी करो। अरे मैं जल गया, मेरा मुंह जल गया। बंद करोगे? कितना जल रहा है मेरा मुंह। हटोड़ी और केनिकी को सर से बहुत डांट पड़ने वाली है। अब तक तो वो जिप्पो का बच्चा वापस अपने गांव में जाकर धींगा मुश्ती कर रहा होगा। और कैसे हो बच्चों? हेलो अमारा, गुड मॉर्निंग। सर आपका बुखार ठीक हो गया? सर आप ठीक हो गए? ये सब इस केनिची का कमाल है। जिप्पो ने मुझे इतनी गर्मी दी कि मेरी सारी ठंड छू मंतर हो गई। नहीं हो सकता, ये जिप्पो का बच्चा जाता क्यों नहीं है? मैं तुम्हारा और हथौड़ी का एहसान मंद हूँ। तुमने मेरी देखभाल के लिए जिप्पो को भेजकर बहुत अच्छा किया बेटा। शाबाश। चलो क्लास में आ जाओ। उन्होंने मुझे थैंक यू नहीं कहा। नहीं नहीं, सर ने तो तुम्हें बहुत सारा थैंक यू कहा है। डिंग 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 डिंग। केनिची, आज रात तुम रखवाली के लिए जिप्पो को मेरे घर भेज दोगे प्लीज? मम्मी पापा बाहर जा रहे हैं। जिप्पो की क्या जरूरत है, इससे अच्छी रखवाली तो मैं तुम्हारी कर लूंगा। कहो तो घर पर आ जाओ। नहीं यम्मी को, तुमने पहले मुझे पूछा था। बहस बंद करो, कोई बदमाश आया तो तुम दोनों पिट जाओगे, जिप्पो उसे भगा देगा। ये तैयारी कर रहा है क्योंकि वो आज रात यूमिको के घर का गार्ड बनने वाला है। देखो कितना खुशी से फूल गया, मोटा कहीं का। ध्यान रहे, तुम्हारी वजह से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक से रखवाली करना। फिकर नॉट हथौड़ी सर, मैं खुद से ज्यादा यूमिको का ध्यान रखूंगा। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। कहीं ये कोई गड़बड़ ना कर दे। फिक्र मत करो, वो समझदार है, सब कुछ संभालेगा। ये जिप्पो तुम यही हो तो मैं सोने जाऊं? हाँ तुम जाओ, मैं रात भर तुम्हारी रखवाली करूंगा। वाओ जिप्पो, तुम कितनी अच्छी बातें करते हो। मैं आज रात भर पहरेदारी करूंगा।
जी चलो उसे सताते हैं, बहुत मजा आएगा। दिमाग का बैलेंस बिगड़ने पर जिप्पो गड़बड़ करेगा और हथौड़ी उसे लात मार के फेंक देगा। शुरुआत उसकी फेवरेट बड़ी वाली इडली से करते हैं। मेरी फेवरेट इडली, रुको मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। देखो कैसे तो मिला के वो इडली के पीछे आ रहा है। ये नहीं पता कि इडली के पैर नहीं होते। ये क्या हो गया, कोई मुझे बचाओ। पहरेदारी करने वाला, ये मुझसे बचकर कहाँ जाओगे। अरे रुक जा, ये तो चीटिंग है, चीटिंग। बॉस हम इस पत्थर पर काली मिर्च का पाउडर क्यों छिड़क रहे हैं? ज्यादा सवाल मत पूछ, दिमाग चलाने का काम मेरा है तेरा नहीं। बहुत बढ़िया बॉस। देख रहे हो ना, बेवकूफ कहीं का। अब ये जाएगा अगला पत्थर। अरे कितना बोर काम है। अरे वो बोर। देखना मजा आ। अरे वाह, मुझे तो कितना अच्छा टाइम पास मिल गया। ला 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 ला। ये तो पत्थर को बोल समझ कर उसके साथ खेल रहा है। वो हमारे पास आ रहा है। अरे ये बॉल रुकती क्यों नहीं है। अरे मेरा पैर छोड़, मेरा पैर छोड़। मेरे साथ गड़बड़ कर रहे थे, देखो तुम्हारा हाल क्या हुआ है। हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था। हाँ मुझे सब पता है किसने क्या किया है, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जल्दी भाग लो बॉस, भागो। मैं कैसे हथौड़ी के पास आवाज का बादल भेजकर इसे फंसाता हूँ। देखो निंजा स्टार्स की कमाल। ये उसे जाकर इसे भेज कर। ठीक है बॉस। टिरिंग 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 टिरिंग। अरे ये तो युमिको की आवाज है, लगता है वो मुसीबत में है, मुझे जाना होगा। क्या कहा? आप कहाँ भागोगे? अरे अब देख मेरी नई निंजा टेक्निक। मैंने पहले ही टेक्निक की टेक्निक खराब कर दी। धुआं उड़ाने की निंजा टेक्निक। निंग, ये क्या? मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा है। जिप्पो! ये सब क्या हो रहा है जिप्पो? हथौड़ी सर के भेष में तुम हमारा ही हो ना, मुझे बेवकूफ मत समझो। ये तुम क्या कह रहे हो, मैं तो हथौड़ी हूँ। तो हथौड़ी को रोको मार रहा है। लो बेवकूफ जिप्पो ने तो अपने ही बॉस का मुंह पिचका दिया। चलो भागो। ये क्या हो गया? जिप्पो ये तुम्हारे लिए है, थैंक यू सो मच। कल रात में बिल्कुल आराम से सोई। देखा जिप्पो कितने काम का है। हथौड़ी कहीं दिख नहीं रहा। अभी आ चुका है हथौड़ी गुरु। ओहो मैं ऐसा मुंह लेकर युमिको के सामने कैसे जाऊं, और जाऊंगा भी तो किस मुंह से बात करूंगा। ओहो ये जिप्पो भी ना, ये कभी नहीं सुधरेगा।